आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसका जो थीम है उसका थीम है अ ब्राउनिंग ईस्ट। ठीक है, तो जो हमारे जंगल होते हैं तो जंगलों के संरक्षण को लेकर के यह बात कही गई है। आप अगर भारत का भौगोलिक देखिएगा कि भारत को हमने क्या है भौगोलिक दृष्टिकोण से कई हिस्सों में बांटा है, उसमें एक है पूर्वी घाट पर्वत और दूसरा है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। तो यहाँ पे जो न्यूज है ये पूर्वी घाट पर्वत को लेकर के है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं जब वो हरे भरे होते हैं तो ग्रीन कहा जाता है, और जब वो सूखना शुरू होते हैं तो उनका कलर धीरे धीरे क्या है ब्राउन होना शुरू होता है। तो यहाँ पे अपब्राउनिंग ईस्ट कहने का मतलब है जो हमारा पूरब है यानी हमारा जो ईस्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है ब्राउन हो रहा है। ब्राउन इन द सेंस कि वहाँ के जो जंगल है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं सूख रहे हैं। यही आज हमारा एडिटोरियल का हेडलाइन है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहा जा रहा है। आज हमने क्या है पीडीएफ की लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, तो आई होप कि आप लोगों को पीडीएफ मिल गई होगी। पीडीएफ डाउनलोड करने का जो है लिंक वहां पे दिया हुआ रहता है। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट में बताइएगा, अलग से क्या है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। गुड आफ्टरनून सुचिश्मिता, मोइनुद्दीन खान हाय, आपको भी, आप सभी को हाय। थोड़ा ऑडियो का इश्यू रहता था बट वी हैव मेड द सेटअप कि मतलब आप लोगों को दिक्कत ना हो। जिस क्वालिटी के लिए हम जाने जाते हैं फिर जिस क्वालिटी के लिए संस्थान जाना जाता है एटलीस्ट उस लेवल का क्या होना चाहिए सेशन होना चाहिए। तो ऑडियो को लेकर के थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि ऑडियो साफ है या नहीं। चलिए ठीक है, देखा जाए क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वार्निंग्स फॉर ईस्टर्न घाट्स अंडरस्कोर नीड फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमिनन है। ग्लोबल फिनोमिनन कहने का मतलब सारी दुनिया इससे क्या है जूझ रही है और पर्यावरण को इससे क्या हो रहा है काफी सारा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, यहाँ पे ये तीनों शब्द मिलाकर के हमारा क्या हो गया कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है इसको लेकर के जो वार्निंग्स दी जा रही है फॉर ईस्टर्न घाट्स कि हमारे जो पूर्वी घाट है वहां के जो जंगल है वहां का जो फ्लोरा और फौना है यह अंडरस्कोर करता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका अंडरस्कोर क्या है वर्ब है, तो अंडरस्कोर अगर हमने वर्ब का पहला रूप यूज किया है तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए प्लूरल, तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वार्निंग्स। ठीक है, तो वार्निंग्स ने अंडरस्कोर किया है यानी हाईलाइट किया है नीड फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कि जंगलों को बचाने की क्या है जरूरत है। देयर इज अ नीड फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इसने अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन हमारा वर्ब का पहला रूप है और अंडरस्कोर या अंडरलाइन की ही मीनिंग होती है टू हाईलाइट समथिंग। तो इसने क्या हाईलाइट किया है इस जरूरत को एहसास कराया है हमें, इस बात को हाईलाइट किया है कि जंगलों को बचाने की जरूरत है। आगे देखिएगा कहा जा रहा है इफ द वेस्टर्न घाट्स आर द क्राउन ज्वेल्स ऑफ इंडियाज नेचुरल हेरिटेज द ईस्टर्न घाट स्प्रेड अक्रॉस सम 75,000 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम ओरिसा टू सदर्न तमिलनाडु प्ले एन इंपॉर्टेंट ड्यूअल रोल। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपको भर्ब क्या है प्ले है, तो इसका मतलब अगर भर्ब के पहले रूप का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे फीडबैक ले लूं रिगार्डिंग द ऑडियो। ठीक है, देखा जाए अगर वेस्टर्न घाट्स को, तो हमारे पूर्वी घाट पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत है आपका कोंकण तट हुआ मालाबार तट हुआ ये इसमें आता है। अगर वो भारत के नेचुरल हेरिटेज, तो यहाँ पे हेरिटेज हमारा नाउन है, एक नाउन है हमारा इंडिया और यहाँ पे नेचुरल हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, ये हमारा क्या है एडजेक्टिव है, इंडिया पहला नाउन है हेरिटेज दूसरा नाउन है, दोनों नाउन को जोड़ने के लिए हमने क्या किया पजेसिव का प्रयोग किया है। हाय मुकेश, चलिए देखा जाए तो अगर वेस्टर्न घाट्स को क्राउन ज्वेल्स कहा जाता है तो क्राउन ज्वेल्स देखिए क्या ये जो टर्म है ये ब्रिटेन की महारानी का जो क्राउन था ना उसमें जो हीरे जवाहरात लगे हुए हैं तो उनको क्राउन ज्वेल्स कहते हैं, और वो जितने भी दुनिया के देशों पे इंग्लैंड का कब्जा रहा वहाँ के जो बहुमूल्य रत्न थे वहाँ से ला करके उसमें लगाए गए हैं। तो कोई भी चीज़ जो काफ़ी बहुमूल्य हो कोई भी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे क्राउन ज्वेल। तो अगर वेस्टर्न घाट को कहा जाए भारत की नेचुरल हेरिटेज का क्राउन ज्वेल तो दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट स्प्रेड अक्रॉस जो ईस्टर्न घाट है हमारे जो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं
ओडिशा से लेकर के सदर्न तमिलनाडु तक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया ईस्टर्न घाट्स, और उसके लिए प्ले हमारा क्या आ गया, वर्ब. तो ईस्टर्न घाट्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया है, और यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है प्ले. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यह जो रोल है वो ड्यूअल है. ड्यूअल कहने का मतलब दोहरा, यानी दो फायदे देते हैं. रोल आपका यहाँ पे नाउन हो जाएगा बच्चा. रोल हमारा क्या है, नाउन है, और ड्यूअल हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है. देखिए हम कई बार है ना आपको पार्सिंग के लिए एक बात कहते हैं कि आपको पार्सिंग आनी चाहिए. यू शुड नो कि जो शब्द है उसकी मीनिंग क्या है, ये तो पता हो ही. साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह जो शब्द है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है, चलिए आगे देखिएगा. तो यह क्या है, ड्यूअल रोल प्ले करते हैं. कौन कौन से हैं ये दो रोल देखा जाए. पहला है फोस्टरिंग बायोडाइवर्सिटी एंड स्टोरिंग एनर्जी इन ट्रीज. ये हम बार बार बोलते हैं अपने हर सेशन में कि एंड के दोनों तरफ क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होने के कारण या तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा या फिर जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होंगे दोनों सेम होने चाहिए. नाउन है तो दोनों नाउन, वर्ब है तो दोनों वर्ब, एडजेक्टिव है तो दोनों एडजेक्टिव होने चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला काम यह करते हैं, इट फोस्टर्स बायोडाइवर्सिटी. ये बायोडाइवर्सिटी को फोस्टर करते हैं. फोस्टर करने का मतलब होता है उसको सपोर्ट करते हैं. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी भी जगह पे प्रिंस सर, थैंक यू प्रिंस सर. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कहीं पे भी जो जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी डाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है कि उनका प्रकार वो अलग अलग तरह के होने चाहिए. तो बायोडाइवर्सिटी कहीं पे भी क्या है, फ्लोरा और फौना की जो होती है वो काफी मैटर करती है उसके सस्टेनेंस के लिए. तो पहला काम तो यह करते हैं, ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो पहला काम क्या कर रहे हैं हमारा, वो पहला काम यह कर रहे हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी को फोस्टर कर रहे हैं. दूसरा काम यह कर रहे हैं कि यह एनर्जी को स्टोर करते हैं. यह क्या हम करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं इन ट्रीज. तो आप ध्यान दीजिएगा, धरती पे एकमात्र जो स्रोत है ऊर्जा का वह सूरज है हमारा. हमारा सूरज जो है ऊर्जा का वह एकमात्र स्रोत है, और जो हमारा सूरज होता है वह ऊर्जा जो धरती पे भेजता है उस ऊर्जा को स्थिरीकृत करने का काम सिर्फ पौधे कर सकते हैं, और यह काम वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से करते हैं. तो यह जो जंगल है ये दो काम कर रहे हैं. एक तो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं, दूसरा पेड़ों में ये क्या करते हैं, सूरज की ऊर्जा को स्थिरीकृत करते हैं, उसको सेव करते हैं. इन दीज माउंटेन्स, दीज आपका एडजेक्टिव है, दीज आपका एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसे कहते हैं. दीज के साथ प्लूरल नाउन हमने माउंटेन्स का प्रयोग किया है क्योंकि यह प्लूरल है इसलिए हमारा वर्ब का पहला रूप एग्जिस्ट आया है. इन दीज माउंटेन्स एग्जिस्ट अ रिजर्वॉयर ऑफ अबाउट 3,000 फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज. तो यह जो पहाड़ है, इन पहाड़ों में पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत दोनों हैं. यहाँ पे हम लोग पूर्वी घाट पर्वत की बात कर रहे हैं. यह रिजर्वॉयर है. रिजर्वॉयर मतलब क्या है, ये संग्रह है. यहाँ पे संग्रह है किसका, तीन सरा. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक्स प्रिंस. आई होप सो. नौकरी तो यही सोच के छोड़ी कि नौकरी अच्छी नहीं करता, शायद टीचर अच्छा बनूं. चलिए प्रयास करते हैं हम लोग इसी दिशा में. आगे कहते हैं कि इन पहाड़ों में क्या 3,000 के करीब फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज हैं. स्पीशीज एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर में भी स्पीशीज लिखा जाता है, प्लूरल में भी स्पीशीज लिखा जाता है. तो 3,000 यहाँ पे गिनती है, स्पीशीज हमारा नाउन है, बट स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगुलर भी स्पीशीज और प्लूरल भी स्पीशीज. तो यहाँ पे 3,000 फ्लावरिंग प्लांट की प्रजातियां पाई जाती हैं, स्पीशीज पाई जाती हैं. नियरली 100 ऑफ देम एंडेमिक, और उनमें से जो 100 है ना वो क्या है, हमारे एंडेमिक है. तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो पौधे हैं इनसे फूल निकलता है, और जो उन पौधों में फूल होता है उन पौधों का क्या होता है, प्रोपगेशन काफी आसान होता है. प्रोपगेशन आसान होने का मतलब होता है कि जो पौधे हैं उनकी संख्या आसानी से बढ़ सकती है, यानी वो आसानी से क्या है अपनी संख्या बढ़ाने में सक्षम है. तो ऐसे जंगलों की सूखने की संभावना कम होती है. इनमें से जो 100 प्रजातियां हैं वो क्या है, हमारी एंडेमिक है. एंडेमिक कहने का मतलब है जो एक खास जगह की जो प्रजाति होती है, जो वहां की नेचुरल होती है, जिसको कहीं बाहर से लाकर के इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, वैसी प्रजातियों को एंडेमिक प्रजातियां कहते हैं. तो उनमें से 100 क्या है, एंडेमिक है. अकरिंग इन द ड्राई डेसिडोस या फिर मॉइस्ट डेसिडोस एंड सेमी एवरग्रीन लैंडस्केप्स. तो आपने पढ़ा होगा जंगल, तो आपने पढ़ा होगा जंगल तो कई तरह के जंगल होते हैं.
आपने पढ़ा होगा पर्णपाती वृक्ष यानी डेसिड्यूस। तो डेसिड्यूस जो फॉरेस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं ड्राई और दूसरे को कहते हैं मॉइस्ट। ये जो डेसिड्यूस जो शब्द है उसका उच्चारण हो सकता है हम गलत करें, क्योंकि ये शब्द हम लोग काफी कम सुनते हैं और मेरा जो अधिकतर प्रोनाउंसिएशन होता है वो वर्ड्स पे बेस्ड होता है। वर्ड्स पे बेस्ड कहने का मतलब जो वर्ड्स हम रेगुलर सुनते हैं। वैसे हम आप लोगों को सभी को सजेस्ट करेंगे कि आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी इंस्टॉल कर लें मोबाइल में, और कभी किसी शब्द के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो वहाँ पे एक स्पीकर का सिंबल बना हुआ रहता है, उस सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन करके आपको बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शब्द को देख रहे थे डेसीड्यूस। तो डेसीड्यूस का मतलब होता है पर्णपाती वृक्ष, ऐसे मतलब पौधे जो क्या करते हैं पतझड़ में अपने क्या है पत्ता गिराते हैं, उसको क्या कहते हैं डेसीड्यूस फॉरेस्ट। और ड्राई डेसीड्यूस फॉरेस्ट कहने का मतलब होता है ये होगा जो कम जहाँ पे पानी हो या जहाँ पे क्या हो प्रेसिपिटेशन यानी बारिश कम हो वहां पे भी जो पौधे होंगे उनको कहेंगे ड्राई डेसीड्यूस, और जहाँ पे थोड़ी नमी चाहिए जो पौधे बिना नमी के नहीं उग सकते उसको कहेंगे मॉइस्ट डेसीड्यूस फॉरेस्ट। और इफ सेम ही एवरग्रीन लैंडस्केप्स। तो ईस्टर्न घाट में क्या है तीन तरह के लैंडस्केप यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ड्राई डेसीड्यूस, मॉइस्ट डेसीड्यूस और सेमी एवरग्रीन। सेमी एवरग्रीन कहने का मतलब है एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, और सेमी एवरग्रीन का मतलब पार्शियली सदाबहार। हेलो कैसे हो स्टडी पटना, ठीक हूँ जी। चलिए शायद ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अरे सर जी क्या हाल चाल है, आनंद आनंद हमारे ही हाल चाल की बात पूछ रहे हैं। हमारा हाल चाल ठीक है आनंद, बट क्या है कि थोड़ा इश्यू आ रहा था ऑडियो को लेकर के। आई होप आज की जो ऑडियो की क्वालिटी होगी बिल्कुल सही होगी और आप इसको क्या है एंजॉय करेंगे। आगे देखा जाए तो यह जो लैंडस्केप है, ये जो यहाँ की जो जमीन है, इस जमीन पे तीनों तरह के वन पाए जाते हैं, ड्राई डेसिड्यूस, मॉइस्ट डेसिड्यूस और सेमी एवरग्रीन। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग टाइगर्स एंड एलिफेंट्स एंड सम 400 बर्ड स्पीशीज आर फाउंड इन दिस डिसकंटिन्यूस फॉरेस्ट दैट रिसीव एन एनुअल एवरेज रेनफॉल ऑफ 1200 mm टू 1500 mm। लंबा सा वाक्य है विवेक, हेलो। चलिए आगे देखा जाए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई सारे जानवर यहाँ पे, मेनी एनिमल्स, मेनी के साथ प्लूरल नाउन का हमने यूज किया है, इंक्लूडिंग टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, जिनमें क्या है टाइगर्स हैं एलिफेंट्स हैं और तकरीबन 700 के करीब बर्ड की स्पीशीज हैं जो यहाँ पे पाई जाती है। स्पीशीज प्लूरल है, उसके लिए हमने आर का प्रयोग किया, आर के साथ फाउंड है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में वाक्य हो गया। इन दीज डिसकंटिन्यूस फॉरेस्ट, इन जंगलों में पाया जाता है, जंगल के लिए हमने यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज किया है वो एडजेक्टिव है डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस का मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं, यानी एक तरह का जंगल आपको लगातार नहीं मिलेगा, इसलिए इन जंगलों के लिए हमने एडजेक्टिव यूज किया डिसकंटिन्यूस। दैट रिसीव फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे क्या है बाबू, प्लूरल नाउन है, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट वो फॉरेस्ट के लिए आया है क्योंकि फॉरेस्ट प्लूरल है, एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ भर के पहले रूप रिसीव का हमने यूज किया है। तो इन जंगलों को प्राप्त होता है एन एनुअल रेन, एनुअल एवरेज रेनफॉल, रेनफॉल नाउन, एवरेज एडजेक्टिव, एनुअल भी एडजेक्टिव और एन हमारा आर्टिकल है जो कि हमारे रेनफॉल नाउन के लिए आ रहा है। थोड़ा मिटा दू, कचड़ा हो गया है। ठीक है चलिए, यहाँ पे हमारे क्या है रेनफॉल क्या है बच्चा, नाउन है, और इसके लिए हमने क्या किया है दो एडजेक्टिव यूज किए हैं एवरेज और एनुअल, और एन भी इसी की गिनती बता रहा है। ठीक है, तो इसे क्या है एक औसत जो बारिश होती है यहाँ पे 1200 mm से लेकर के 1500 mm होती है। ठीक है, यानी 120 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है जो कि काफी मानी जाती है। आगे देखा जाए, क्रूशियली मेनी पार्ट्स प्राइमरली इन ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज टू मिलियंस। क्रूशियली एडवर्ब है बाबू, जिसका मतलब तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जरूरी बात यह है कि कई सारे इलाके जिनमें, सर बायो की क्लास कब से है विवेक, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर टाइम्स टीम, मैं टाइम्स टीम का रेगुलर का हिस्सा नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता, बट आई होप कि कोई टाइम्स में से देख रहा हो आपको रिप्लाई कर पाए कि बायो की क्लास अगली कब से लगेगी। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, स्ट्रिक्टली इंग्लिश। ठीक है, आगे देखा जाए, तो ये जो कई सारे इलाके हैं जिसमें ओडिशा आता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन इलाकों को, ये इन इलाकों को क्या मिलता है प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज टू मिलियंस। तो ये जो इलाके हैं ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी वह उत्पाद,
प्रोड्यूस का मतलब होता है वो अब चीज जो हमें कृषि या फिर पौधों से प्राप्त होती है उसको प्रोड्यूस कहते हैं। यह प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो जंगलों से क्या मिलेगी हमें, वनस्पति मिल सकती है, जंगलों से हमें क्या है दवाओं के लिए वृक्षों की छाल मिल सकती हैं, पत्तियां मिल सकती हैं या फिर बेरीज फ्रूट्स ये सारी चीजें मिल सकती हैं। एंड इकोसिस्टम सर्विसेज टू मिलियंस, इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब हो गया बच्चा यहाँ पे कि इकोसिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जहाँ पे जितने भी फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी जगह के, चाहे वहाँ की मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, और वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं आपस में मिलकर के एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। तो इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब हो गया पानी, हवा या फिर भूमिगत जल, इन सभी चीज़ों को भी तो ये जंगल ही हमें देते हैं। और ये कितने लोगों को यह चीज़ें देते हैं, मिलियंस, मिलियंस कहने का मतलब है करोड़ों लोगों को यह सुविधा कौन देते हैं, ये इलाके देते हैं। कौन से इलाके हैं ये इलाके हैं हमारे ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये क्या करते हैं करोड़ों लोगों को ये चीज़ें मुहैया कराते हैं। आगे देखिएगा, गिवन द की फंक्शंस एंड द लैंड्स परफॉर्म, ठीक है, गिवन द की फंक्शन दैट द लैंड्स परफॉर्म, दैट यहाँ पे फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो फंक्शंस के लिए आ रहा है, फंक्शंस प्लूरल तो दैट भी प्लूरल, तो परफॉर्म यहाँ पे जो वर्ब है वर्ब का पहला रूप है। गिवन, गिवन का मतलब होता है देखा जाए, तो क्या देखा जाए, द की आर्टिकल है, द की है हमारा एडजेक्टिव और फंक्शन हमारा नाउन है, तो वह की यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि यह जमीन परफॉर्म करती है, यह जमीन क्या है परफॉर्म करती है इन मॉड्यूलेटिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को मॉड्यूलेट करने में, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, फॉस्टरिंग बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने में, फॉस्टर करने में, एंड प्रोवाइडिंग सस्टेनेंस, और सस्टेनेंस प्रोवाइड करने में, सस्टेनेंस प्रोवाइड करने का मतलब होता है भोजन या फिर अन्य चीजें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है वह प्रोवाइड करने में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात कहूंगा, एंड के देखिए दोनों तरफ का स्ट्रक्चर सेम है, मॉड्यूलेटिंग, फॉस्टरिंग, प्रोवाइडिंग, क्लाइमेट, बायोडायवर्सिटी, सस्टेनेंस, भर का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, भर का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, भर का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स आर्ग्यूइंग दैट द घाट्स फेस अ सीरियस थ्रेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड टेम्परेचर वेरिएशंस आर अ काउज फॉर वरी, तो यहाँ भी कहा जा रहा है आर अ काउज फॉर वरी, तो कौन सा नाउन है जिसके लिए आर आ रहा है, यह चिंता के विषय है, बी वर्ब है, हमने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो आपको बी वर्ब होता है ना बच्चा, बी वर्ब के साथ चार चीजें आ सकती हैं, एक्टिव वॉइस में बी फोर, पैसिव वॉइस में बी थ्री, एडजेक्टिव या फिर नाउन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है आर अ काउज फॉर वरी, यह चिंता का विषय है, आर आपका हो गया प्लूरल है, इसका मतलब हमारा कोई ना कोई सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए जिसके लिए आर आएगा, तो ये फाइंडिंग्स के लिए आ रहा है बच्चा, ठीक है। तो कोई रिसर्च है, जिस रिसर्च का जो परिणाम है उसके जो रिजल्ट है वो कहते हैं दैट द घाट फेस अ सीरियस थ्रेट, कि यह जो वेस्टर्न घाट्स हैं या सॉरी ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे वो क्या फेस कर रहे हैं, घाट्स प्लूरल इसलिए फेस बी वन है, एक गंभीर खतरा, थ्रेट नाउन हो गया, सीरियस एडजेक्टिव ए आर्टिकल, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन हमारा हो गया ए गुड बॉय, ये सिंपल से एग्जाम्पल जो हम देते हैं, हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है। फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, तो ये क्या है बहुत बड़ा खतरा फेस कर रहे हैं, किससे, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से, एंड टेम्परेचर वेरिएशंस और तापमान में जो बदलाव होता है उससे भी, तापमान में बदलाव हो रहा है यानी गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी या फिर ठंड में काफ़ी ज़्यादा ठंड या फिर कम ठंड पड़ना, ये सभी क्या है आर अ काउज फॉर वरी, तो आर किसके लिए आया बच्चा हमारा, न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स के लिए आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, इट इज नोट वर्दी, यह नोट करने योग्य है, इज बी वर्ब का रूप है, नोट वर्दी हमारा एडजेक्टिव है, दैट अ डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, हमने ए का प्रयोग किया है, ऑफ द एनुअल एवरेज टेम्परेचर एंड डिमिनिश्ड रेनफॉल, ठीक है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, पहला डिस्ट्रप्शन ऑफ द एनुअल एवरेज टेम्परेचर, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है कि साल भर का टेम्परेचर यहाँ पे औसत इतना होना चाहिए, वो अगर आपका डिस्टर्ब्ड हो रहा है या फिर रेनफॉल आपका क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, घट रहा है, वो ड्रॉप, वुड हो गया मॉडल वर्ब, ड्रॉप हो गया वर्ब का पहला रूप, यह वंचित कर देगा या छीन लेगा, क्या छीन लेगा, द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज फॉरेस्ट, इन जंगलों की प्रोडक्टिविटी, इन जंगलों की उत्पादकता, यानी ये जो जंगल हमें फायदे देते हैं ये फायदा देना बंद कर देंगे, क्यों,
बदलते हुए तापमान के कारण और घटते हुए एनुअल रेनफॉल के कारण। आगे देखिएगा, तो ये जो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी वो कैसे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी? इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू स्टोर कार्बन, तो उनकी कार्बन को स्टोर करने की जो क्षमता है वह रिड्यूस होगी। एंड प्रोवाइड सब्सिस्टेंस मटेरियल, और जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए बाबू उनको कहते हैं सब्सिस्टेंस मटेरियल। तो जंगलों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? बायोमास चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए और बारिश चाहिए, और वहाँ के जानवरों को फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए। वो सारी चीजें ये प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, उनकी यह जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? उनसे छीन जाएगी। छीनने के लिए रॉक का प्रयोग किया। एग्जिस्टिंग डेटा, डेटा प्लूरल है इसलिए भर का पहला रूप, पॉइंट करता है टू द इम्पोवरिशमेंट ऑफ एरियाज एक्सपीरियंसिंग रेनफॉल रिडक्शन। तो यह जो इलाका है उन जिन इलाकों में क्या है रेनफॉल घट गया है, वह इलाके क्या है इम्पोवरिश हो रहे हैं। इम्पोवरिश होने का मतलब है वो इलाके गरीब होते चले जा रहे हैं। तो जंगल गरीब होगा तो किस चीज के मामले में गरीब होगा? तो जंगल के गरीब होने का मतलब है वहां पे जो पेड़ पौधे हैं, वहां पे जो जीव जंतु हैं, उनकी संख्या में आएगी कमी। ठीक है, इन द ड्राइस्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एंड अ राइज इन सीजनल टेम्परेचर। तो जिन इलाकों में क्या है क्वार्टर जो, अब देखिएगा क्वार्टर कहने का मतलब है जो साल होता है, साल 12 महीने का होता है, तो 12 महीने में तीन तीन महीने के चार अगर कंपोनेंट्स में बांटा जाए तो हर कंपोनेंट को कहेंगे एक क्वार्टर, यानी तीन महीने का पीरियड कहलाएगा एक क्वार्टर। तो जो सबसे ड्राई क्वार्टर होता है यानी साल के वो तीन महीने जिनमें सबसे अधिक गर्मी पड़ती है वह, एंड अ राइज इन सीजनल टेम्परेचर, और अगर मौसम में जो तापमान होता है यानी गर्मी में जो तापमान या ठंड में जो तापमान होना चाहिए वह अगर बढ़ जाए, थ्रू रिड्यूस प्लांट स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड अ डोमिनेंट रोल फॉर हर्ब्स ओवर ट्रीज। और यह किस कारण से हो रहा है? तो प्लांट की स्पीशीज में कमी आ रही है, उनकी डाइवर्सिटी प्रभावित हो रही है। डाइवर्सिटी के प्रभावित होने का मतलब है अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की जगह किसी एक खास तरह के पौधे का डोमिनेंस। और दूसरा है द डोमिनेंट रोल फॉर हर्ब्स ओवर ट्रीज, जो हर्ब्स होते हैं वो क्या है डोमिनेंट होते जा रहे हैं, यानी पेड़ों की जगह कौन ले रहे हैं हर्ब। तो आप ध्यान दीजिएगा पेड़ जो होते हैं एक तो वो ज्यादा कार्बन स्टोर कर सकते हैं, वो ज्यादा हवा स्वच्छ कर सकते हैं, वो ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो ज्यादा दिन टिक भी सकते हैं, जबकि हर्ब्स जो होते हैं हमारे सीजनल होते हैं। तो अगर किसी भी इलाके में ऑडियो प्रॉब्लम, विकी चौधरी, अच्छा किस तरह की ऑडियो है लेट मी चेक, ऑडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है लेट मी चेक। और किसी बच्चे को ऑडियो में इश्यू आ रहा है क्या? एक बार थोड़ा कमेंट कर देंगे ना, मैं भी देख लूं कि ऑडियो में कैसा इश्यू आ रहा है। हमारे एंड पे तो सही है, नहीं ठीक है ऑडियो सही है बाबू, ठीक है ऑडियो का इशू नहीं है हमारे एंड पे, या फिर होगा तो अब दूर हो चुका है। आगे देखिएगा, तो अगर हर्ब्स डोमिनेंट रोल प्ले करने लगेंगे ट्रीज के ऊपर में, यानी ट्रीज का रोल जंगल में कम हो जाए और हर्ब्स का रोल बढ़ जाए, तो इससे भी क्या होता है ना जंगल की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, मतलब जीवन को सपोर्ट करने की क्षमता, पानी को स्टोर करने की क्षमता या हवा को शुद्ध करने की क्षमता होती है वह घट जाती है। आगे देखिएगा, प्रोटेक्टिंग द ईस्टर्न घाट्स विच आर सेपरेटेड बाई पावरफुल रिवर्स, तो गोदावरी एंड कृष्णा टू नेम जस्ट टू इज एन इकोलॉजिकल इम्पेरेटिव। इज आ रहा है बाबू प्रोटेक्टिंग द ईस्टर्न घाट्स के लिए, यानी ईस्टर्न घाट्स को बचाना इज एन इकोलॉजिकल इम्पेरेटिव। ये बहुत ही इम्पेरेटिव है, यानी ये बहुत ही क्या है जरूरी है, और यह जरूरत किस चीज के कारण पैदा हो रही है? तो यह एक इकोलॉजिकल इम्पेरेटिव है, यानी यह फाइनेंस के लिए जरूरी नहीं है, यह इकोनॉमी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह किसके लिए जरूरी है? इकोलॉजी के लिए जरूरी है। इकोलॉजी की मीनिंग होती है पारिस्थितिकी, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स को बचाना है, और ये ईस्टर्न घाट्स को कॉमा से हमने आपको बताया था, अगर किसी नाउन को आपको डिफाइन करना हो तो आप कॉमा से सेपरेट करके उसको क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। तो ईस्टर्न घाट्स के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है कि ईस्टर्न घाट्स विच आर सेपरेटेड बाई पावरफुल रिवर्स, जिसको क्या सेपरेट करती हैं बहुत सारी मजबूत यानी ताकतवर नदियां। मजबूत नदी का मतलब होता है जिस नदी का बहाव क्षेत्र बड़ा हो, या जो ज्यादा पानी बहाती हो, या फिर ज्यादा भरी क्षेत्र से होकर गुजरती हो,
और ऐसी दो नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा, टू नेम जस्ट टू, इज एन इकोलॉजिकल इंपेरेटिव. तो इकोलॉजिकल इंपेरेटिव है, बहुत जरूरी है क्या, प्रोटेक्टिंग द ईस्टर्न घाट्स. ये हमारा सब्जेक्ट है और उसके लिए इसका प्रयोग हमने यहाँ पे किया है. आगे देखिएगा, इंडिया इज कमिटेड इसके साथ भीतरी का प्रयोग किया आपने, पैसिव वॉइस का प्रयोग किया, यानी इंडिया, ठीक है. और या फिर दूसरा यह हो सकता है कि इसके साथ आपके एडजेक्टिव का प्रयोग करें. तो यहाँ पे जो कमिटेड है वो भर्ब का तीसरा रूप तो है, लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है. तो भारत कमिटेड है अंडर द पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज. तो जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था, पेरिस में सभी दुनिया के देश मिल करके उन्होंने क्लाइमेट के ऊपर में एक मीटिंग की थी कि भाई क्लाइमेट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट या पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड. उसके तहत भारत क्या कमिटेड है टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन, कि भारत का एक कार्बन सिंक क्रिएट करना है. तो कार्बन सिंक कहने का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जो क्या कर सके, हवा में से कार्बन को अवशोषित कर सके. तो जंगल ही वो व्यवस्था है जो क्या कर सकते हैं, हवा से कार्बन को सोख सकते हैं. तो भारत को क्या करना है, इतने जंगल या इतने पेड़ लगाने हैं कि 2.5 से 3 बिलियन टन को टन कार्बन वो क्या है अवशोषित कर सके. और यह कैसे संभव है, तो ये संभव है थ्रू के माध्यम से इनहेंस्ड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. इनहेंस्ड एडजेक्टिव है, फॉरेस्ट और ट्री हमारा कम नाउन है, कवर. तो उनका कवर अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, यानी जितनी जमीन पे जंगल है या जितनी जमीन पे हमारे पेड़ है, अगर उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हम ये अचीव कर सकते हैं. येट इसके बावजूद, तो अगर एट से आप लाइन शुरू करें, इसका मतलब आप पीछे कही गई बात को काट रहे हैं. तो इंडिया कमिटेड है, येट फिर भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पॉलिसीज हैव ऑफन फेल्ड डिसमली. फॉरेस्ट को बचाने की जो पॉलिसीज रही वो बुरी तरह से फेल हुई हैं. डिसमली कहने का मतलब बुरी तरह से, फेल्ड मतलब फेल हुई हैं. बाय सम एस्टिमेट्स, अगर कुछ अनुमानों को ध्यान दिया जाए, द घाट्स हैव श्रंक बाय 16%. जो हमारे ईस्टर्न घाट से वो 16% सिकुड़े हैं. तो 16% क्या सिकुड़ा है, उनका क्षेत्रफल या वहाँ के जो जंगल है. तो वहाँ के जो जंगल है ओवर द पास्ट सेंचुरी, पिछले 100 सालों में, एंड जस्ट वन रीजन, और एक इलाका पापी कोंडा नेशनल पार्क, लॉस्ट अबाउट 650 स्क्वायर किलोमीटर इन 2 डेकेड्स फ्रॉम 1991. वहाँ 1991 से लेकर अभी तक 2 डेकेड यानी 20 सालों में 650 स्क्वायर किलोमीटर जंगल क्या है वहाँ के, खत्म हो चुके हैं. रिलीविंग द प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, अगर आप जंगलों पर से दबाव क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है. कैन बी डन, कैन मॉडल वर्ब, उसके साथ बी वर्ब का पहला रूप, और बी के साथ डन वर्ब का तीसरा रूप. थ्रू पॉलिसीज, पॉलिसीज के माध्यम से, दैट पॉलिसीज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का हमने यहाँ पे क्या किया, यूज किया है. इसलिए वर्ब का पहला रूप हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि पॉलिसीज प्लूरल तो दैट प्लूरल, तो वर्ब का पहला रूप. जो क्या करते हैं, कम करते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्सेज संख्या में या मात्रा में कम है उनकी एक्सट्रैक्शन को अगर आप रोकते हैं या उनको क्या करते हैं, आप कम करते हैं और इंसेंटिवाइज करते हैं, यानी लोगों को इंसेंटिव देते हैं, इनाम देते हैं सेटल्ड एग्रीकल्चर के लिए, कि वो एक जगह रख के खेती करे. ये नहीं कि भाई एक जगह खेती की एको हो रहा है. अच्छा, प्रिंस देखना तो अभी भी एको हो रहा है क्या ऑडियो, हो सकता है को, क्योंकि कमरा तो छोटा है हमारा. हो सकता है एको हो रहा हो, थोड़ा कमरा छोटा है, चलिए देखा जाए. थोड़ा धीमे बोलेंगे तो एको क्या है, बंद हो जाएगा. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक हो गया, चलिए प्रिंस का कहना ठीक हो गया. प्रिंस हमारा रेगुलर स्टूडेंट है, उसकी इंग्लिश ठीक हो चुकी है. और आप लोगों को शायद नहीं पता हो, यह जो एडिटोरियल है वो प्राइमरली प्रिंस ही बनाता है, बाद में हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक ना रह गई हो. तो फिर से देखा जाए, जो लाइन में बीच में हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, यहाँ कहा जा रहा है रिलीविंग द प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, यानी जंगलों के ऊपर में जो दबाव है उसको रिलीव किया जा सकता है, कम किया जा सकता है थ्रू पॉलिसीज, नीतियों के माध्यम से. और कैसी नीतियां, दैट रिड्यूस एक्सट्रैक्शन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, जो क्या है रिड्यूस करे, कम करे. किसको कम करे, जो स्कार्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज कम है
उनका एक्सट्रैक्शन यानी उनका खनन एंड इंसेंटिवाइज और इंसेंटिव देना शुरू करे सेटल्ड एग्रीकल्चर को कि जो लोग एक जगह पे खेती करेंगे. तो देखिएगा जो ज्यादा उपजाऊ जमीन होती है जंगलों के पास की, वो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जंगल को काट करके वहां पे खेती करना शुरू करते हैं. बट कुछ ही दिनों में क्या होता है कि जब आप खेत को खाली छोड़ देते हैं तो वहां पे फिर से खरपतवार उग आते हैं. तो लोग क्या करते हैं, खरपतवार को हटाने के बजाय फिर दूसरी जगह पे खेती करने लगते हैं. इससे क्या होता है कि जंगलों को काटने को बढ़ावा मिलता है. तो अगर आप लोगों को जो सेटल्ड कृषि करना चाहते हैं, एक ही जगह पे खेती करना चाहते हैं, उनको लाभ दें, इसको इंसेंटिवाइज करें, तो जंगलों पे प्रेशर कम होगा. स्कीम्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट पेरिफेरीज कुड क्वालिफाई फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, थ्रू इंडिजिनस प्लांट एंड ट्री स्पीशीज. अगर हम लोग क्या करें, जो जंगल की पेरिफेरी होती है, देखिए पेरिफेरी कहने का मतलब होता है कहीं से तो जंगल शुरू होते होंगे ना, तो जंगल की जो बाहरी सीमा होती है उसको पेरिफेरी कहते हैं. तो अगर हम लोग वहां पे रिस्टोरेशन करें यानी वापस वहां पे पेड़ लगाएं, और कैसे पेड़ लगाएं, इंडिजिनस प्लांट एंड ट्रीज स्पीशीज लगाएं जो देश के हैं, जो लोकल है, मैचिंग नेशनल कमिटमेंट्स. तो इससे क्या है, जो हमारे देश का कमिटमेंट है यानी भारत ने एज अ नेशन जो कमिटमेंट किया पेरिस में जाकर के, उसको ये तो हम मैच कर पाएंगे. और दूसरा, वी कुड क्वालिफाई फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस. तो हो सकता है इस क्लाइमेट समिट में बात की गई हो कि इस तरह की योजनाओं को हम क्या फाइनेंस करेंगे, तो उस तरह के पेड़ लगा के आप उस योजना के लिए भी क्या है क्वालिफाई कर जाएगा, आपको वहां से भी धन मिलेगा. एंड मस्ट बी परस्यूड, और इनको हमें फॉलो करना भी चाहिए. एट अ ब्रॉडर लेवल, एक बड़े पैमाने पे द रिस्पॉन्स टू द वार्निंग्स इश्यूड बाई, और बड़े पैमाने पे हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है उन वार्निंग्स का जो इश्यू की गई है. किन के द्वारा, पैसिव वॉइस है इश्यूड बाई. तो तीन संगठनों ने वार्निंग दी है. ये तीन संगठन है हमारे बाबू, देखिएगा, रिसर्चर्स फ्रॉम IIT खड़गपुर, ये पहला हो गया, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है. तो ये जो वार्निंग्स हैं इशू की हैं तीन संस्थानों ने इन अ रिसेंट पब्लिकेशन ऑन चेंजेस टू टेम्परेचर, हाल फिलहाल में उन्होंने कोई रिपोर्ट पब्लिश की होगी ऑन चेंजेस टू टेम्परेचर, टेम्परेचर में होने वाले चेंज एंड रेनफॉल और बारिश में होने वाले बदलाव को कॉल्स फॉर, ठीक है, और यह डिमांड करता है, कॉल्स फॉर का मतलब डिमांड करता है डिसाइसिव स्टेप्स, निर्णायक कदम. हम लोग कैसे कदम उठाए, निर्णायक कदम, स्टेप्स हमारा नाउन है, डिसाइसिव आपका एडजेक्टिव है, टू मिटिगेट, टू प्लस बी वन, कम करने के लिए कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन, यह कंपाउंड नाउन है बाबू, एमिशन मतलब होता है उत्सर्जन और कार्बन तो आप जानते ही हैं, कार्बन का किसी भी रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन के रूप में, किसी रूप में उत्सर्जन रोकना है या कम करना है, ट्री कवर को इम्प्रूव करना है. अगर नेशनली हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूविंग ट्री कवर नेशनली इन पूरे देश में इज सर्टेन टू कन्फर मल्टीपल बेनिफिट्स, तो निश्चित है कि इससे कई सारे लाभ मिलेंगे. कन्फर वर्ब है, क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग मॉड्यूलेशन ऑफ द मानसून, मानसून नियंत्रित होगा, इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी, हवा की जो गुणवत्ता है वह सुधरेगी, एंड वाइडर स्पेसेस फॉर बायोडाइवर्सिटी टू परसिस्ट, और जैव विविधता यानी अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधों को परसिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, फैलने के लिए, फलने फूलने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, ठीक है. तो ये हमारा क्या है, आज के एडिटोरियल का थीम था, हमारा एडिटोरियल था अ ब्राउनिंग ईस्ट, ईस्टर्न घाट पर्वत के बारे में था, जो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ब्राउन हो रहे हैं, यानी उनका जो हरियाली है वह छिन रही है. और इसमें जितने भी शब्द थे उनकी मीनिंग नीचे दे दी गई है. आप क्या कर सकते हैं, जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा. हम अभी क्या करते हैं, PDF की लिंक आप सभी को यहाँ पे कमेंट के माध्यम से भी दे देते हैं, ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो, ठीक है. बट यह जो PDF है, यह जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है, उस डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन रहती है. तो वर्ड मीनिंग जरूर देख लिया कीजिएगा. वर्ड मीनिंग देखने का देखिए काफी लाभ है. सबसे बड़ा जो वर्ड मीनिंग देखने का वह लाभ है कि आपको पता चलेगा कि कौन से शब्द जरूरी है, कौन से शब्द क्या है गैर जरूरी है. नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कोई लिस्ट होती है उससे पढ़ते हैं. बट आप क्या कीजिए, यह जो वर्ड मीनिंग है जो हम आपको लिख करके दे रहे हैं उसको आप याद कीजिए बच्चा, और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने दिन बाद दोबारा यह PDF निकालिए और इस PDF को पढ़िए. तो अगर आपको वो वर्ड मीनिंग याद हो गई होगी तो PDF आपको थोड़ी समझ में आएगी,
और समझ में अगर नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है, इन शब्दों को दोबारा देख लेना है। ठीक है, मैं अभी क्या है पीडीएफ की लिंक शेयर कर देता हूँ, और अगर आप अर्ली ये पीडीएफ चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी क्या है लिंक शेयर करता हूँ। कुछ दिनों में मैं टाइम्स पे भी क्या है रेगुलर दे दिया करूंगा ये सारे जो कंटेंट है। अभी भी क्या है कंटेंट ये आपको दिख जाता होगा, ये मैंने कमेंट में डाल दिया है, मैं एक रेगुलर कमेंट में जब ये लाइव वीडियो खत्म हो जाएगा तो अभी डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पे है टाइम्स का, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और आप ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए और 15 दिन या 20 दिन बाद दोबारा इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल करके इसको पढ़ लें। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए कोई टॉपिक जिसके ऊपर में आपको दिक्कत है तो आप क्या है कमेंट में डाल दीजिएगा, लाइव कमेंट्स में मत डालिएगा, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो दोबारा आकर के कमेंट कर दीजिएगा, वो मुझे दिखेगा। और थैंक यू आपका देखने के लिए, और हम भी इम्प्रूव करेंगे अपनी पढ़ाने की क्वालिटी और आप भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें। थैंक यू एंड गुड बाय।